अच्छा जी आ गए तो चलो शुरू करते हैं। देखिए 2023 में बॉलीवुड की एक लंबी लिस्ट लगी हुई थी और अब 2024 में भी फिल्मों की एक लंबी लिस्ट लगी है। जनवरी में फाइटर ने, फरवरी में शाहिद कपूर की फिल्म ने। इस फिल्म का तो नाम इतना बड़ा है कि जब तक नाम लूंगा तब तक ये वीडियो भी खत्म हो जाएगा। वैसे इन दोनों फिल्मों ने शुरुआत बहुत अच्छे से की थी और उसके बाद 23 फरवरी को दो फिल्में आपस में भिड़ गई थी, आर्टिकल 370 और क्रैक। भैया हम वैसे भी 2023 में बहुत बड़े बड़े क्लैश देखे, हमारा मन भर चुका है और अब 2023 में भी यही दिखाओगे? और भैया आपको तो पता ही है जब दो फिल्में आपस में भिड़ती है तो नुकसान दोनों ही फिल्मों का होता है। सेम वैसे ही जैसे एक अनार दो बीमार, कभी आपने देखा है? मैंने तो देखा है। क्या बात कर रहे हैं? वैसे ओपनिंग डे में इन दोनों फिल्मों ने ठीक ठाक कलेक्शन किया था, जानते हो क्यों? नहीं। क्योंकि 23 फरवरी को सिनेमा लवर डे था और टिकट का प्राइस अरसों से फरसों पर आ गया था और इसी का फायदा उठाने के लिए ऑडियंस भैया थिएटर तक पहुँच गई थी। वैसे टिकट का प्राइस और कम कर देते तो लोग मुंबई तक पहुँच जाते। क्या बात कर रहे हैं? पहले दिन के कलेक्शन को देखकर लग रहा था कि इन दोनों फिल्मों को हिट का टैग बहुत जल्द मिल जाएगा, लेकिन ना भैया। वैसे हम इन दोनों फिल्मों के बारे में एक एक करके बात करेंगे तो पहले हम आर्टिकल 370 के बारे में जान लेते हैं। इस फिल्म ने पहले दिन 6 करोड़ के आसपास कलेक्शन किया था और दूसरे दिन शनिवार को 7 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था। इस फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा मिला और तीसरे दिन यानी संडे को 9.5 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था। वीकेंड में इस फिल्म का कलेक्शन ग्राफ ऊपर चलता गया और मंडे को इसके कलेक्शन में 66% का ड्रॉप आया था, 3.25 करोड़ का कलेक्शन किया था मंडे को। और भैया अब इस फिल्म को बहुत जल्द सुपरहिट का टैग मिलने वाला है क्योंकि इस फिल्म का जो बजट है वो 20 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है और अब तक इस फिल्म ने 30 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर लिया है। आर्टिकल 370 के सामने क्रैक अपना जलवा दिखा नहीं पाया जबकि क्रैक का बजट आर्टिकल 370 से भी ज्यादा है। लेकिन एक मिनट, क्रैक में तो नोरा फतेही भी है फिर भी ऑडियंस नहीं पहुंच पाई, कहां कमी रह गई? लगता है ठीक से जादू नहीं चला नोरा फतेही का। क्रैक ने डे वन में 4 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था और छुट्टी के दिन यानी शनिवार को 2.15 करोड़ का कलेक्शन किया था। अब समझ में आया, ऑडियंस तो भैया पहले दिन सिर्फ मजे लेने आए थे वो 99 का टिकट लेके। और भैया संडे को जहां सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दबा के कलेक्शन करती है तो वहीं पर क्रैक ने 2.3 करोड़ का कलेक्शन किया था। और जो सबसे जरूरी होता है वो है मंडे, लेकिन इसने तो मंडे को अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए और इसके इशारे से तो ऐसा लग रहा था कि भैया ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अब हमसे ना हो पाएगा। मंडे को इसके कलेक्शन में 56% का ड्रॉप देखने को मिला था जहां 1 करोड़ का कलेक्शन किया था सिर्फ मंडे को, मतलब पहले दिन 4 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था और चौथे दिन 1 करोड़ का कलेक्शन। भैया क्रैक के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, अब इसका कुछ नहीं होने जाने वाला है। और यदि आप भी चाहते हो कि आपके खतरे की घंटी ना बजे तो इस वीडियो को कर दो लाइक, कमेंट, शेयर। बाकी मैं मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।